हेलो गाइस, के बाद दिल खुश हो चुका है, देख सकते हो। मेरा साथ है, मेरे साथ ना। मेरा साथ है, मेरे साथ ना। तो ये है अपना मंदिर, देख सकते हो, दिख रहा है सामने। तो कैलारस का गाइस जो आलोपी मंदिर बहुत ज्यादा फेमस है, और यहाँ पर भक्त सोमवार के दिन ज्यादातर आते हैं और वैसे भी आते हैं। तो हम क्या करें, तक पहुँचने का जी रास्ते से ऊपर जा रहा है, और एक और मंदिर, एक और रास्ता जा रहा है, और ये है ऊपर जाने का मंदिर का रास्ता। मैं पापा जी के साथ आया हूँ, अकेला नहीं आया हूँ, वो देख सकते हो, दिख ही नहीं रहे हैं। यहाँ पर ये कुछ लिखा हुआ है। तो गाइस से दो रास्ते मिल चुके हैं, एक रास्ता ये है और एक रास्ता ये मंदिर की तरफ जाता है। तो चलते हैं मंदिर की तरफ। पर हम ऊपर पहुंच गए हैं, तो आप देख सकते हो किस तरह का नजारा है। तो जल्दी से चलते हैं मंदिर की तरफ। आप देख सकते हो रोड टेढ़ी मेढ़ी, बिकॉज ये पहाड़ के ऊपर बना है मंदिर, तो हमको रोड तो मिलेगी नहीं अच्छी। फाइनली हम मंदिर पर पहुंच सकते हैं, आप देख सकते हैं ऊपर के व्यू। सो गाइस, आप देख चुके हो हम राधा श्याम के मंदिर से होकर अब जा रहे हैं आलोपी मंदिर। जो अलग ही व्यू आप देख सकते हो, कितना
खतरनाक लग रहा है अलग ही। पहुंचने वाले हम, ये भक्त जा रहे हैं सैलानी। रोड देख सकते हो बहुत ही ज्यादा खराब है। कहते हैं ना जब श्रद्धा अच्छी हो तो रोड नहीं देखी जाती। जा रही हैं, इनसे पूछते हैं। पंडित जी, ये कितना साल पुराना मंदिर है ये? कितना साल पुराना मंदिर है ये? पता ही नहीं है तुम्हें? पता नहीं है तो चलते हैं आगे, बाकी पूछेंगे हम कितना साल पुराना है। हमने दो अंकियों से पूछा कि ये कितना साल पुराना है, लेकिन उनको पता नहीं है, तो इससे अंदाजा लगा सकते हो ये बहुत साल पुराना मंदिर है। और आप देख सकते हो रोड, ये बीच में एक पुल जैसा बना है जिस पे चल के मैं जा रहा हूँ। ये दो भैया आ रहे हैं, उनसे पूछते हैं। तो भैया आपको कोई जानकारी है ये कितना साल पुराना मंदिर है? अच्छा, फिर भी एक अंदाजा बताया जाए। हजारों साल पुराना। हजारों साल? तो हजारों साल पुराना कैलारस का मंदिर है ये। आप दर्शन करके आए हैं ऊपर? तो चलिए हम भी दर्शन करके आते हैं। तो आपने सुन लिया गाइस, तो ये हजारों साल पुराना मंदिर है, और उस हजारों साल पुराने मंदिर पे हम आ चुके हैं। यहाँ पे देखो एक सैलानी कार से आए हुए घूमने के लिए। बना हुआ है माता का, नाम देखता की मूर्ति बनी हुई है अंदर से। यहाँ पर हम प्रसाद चढ़ाएंगे, प्रसाद ले लिया है।
दर्शन करके आ चुके हैं, तो अब चलते हैं सीधे घर की तरफ। अब निकलते हैं। तो गाइस मंदिर पे से कुछ चढ़ के देखो, मंदिर पे आ चुके हैं और दर्शन भी कर लिए हमने, प्रसाद भी चढ़ा दिया है और ऊपर से देख सकते हो कितने सारे सैलानी हैं। अब चलते हैं घर की तरफ, चलो। हाँ, बहुत ही ज्यादा ऊपर मंदिर है, थक चुका हूँ मैं। लेकिन गाइस सुकून भी बहुत ज्यादा मिला है दर्शन करके। उतर रहे हैं नीचे जाने के लिए, देख सकते हो कैसी ढलान सी है। भाई